Hello friends, happy Republic Day, and this is 72nd Republic Day we are celebrating. And on this special ceremony we are going to visit the famous place of Kolkata, Victoria Memorial Hall. Sorry, recently that has been changed into Netaji's Memorial and now it is called Netaji Memorial Hall. So please watch this video. This is my first vlogging video and need your support. Keep supporting me and like and share this video. Keep watching. Thank you. And we are ready to go now. So let's go. तो पहला मेरा जो ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट था वो था रिसेंटली जो चेंज हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो अभी न्यू नेम हुआ है उसका नाम है नेताजी मेमोरियल हॉल. सो लेट्स गो, देखते हुआ का कैसे एटमोस्फियर क्रिएट किया गया है. और हमारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने ये 23rd को इसको इनोग्रेट किया है. देखिए कोलकाता का हर जगह पे ऐसे ही, लेकिन आज 26 है तो इसलिए पूरा रास्ता खाली मिलेगा. तो ये है हमारा ये जो रूट है, इसको गोल्फिन वाला बोलते हैं. गोल्फिन का रूट है उधर से हमको शॉर्ट में. तो उसको क्या कहते हैं, उसको दिखा जो टीवी में टीवी टावर वाला, ये हमारा पुराना जो आकाशवाणी का आता था ये जो टावर, चैनल आ गया तो उसी के वजह से वो अभी थोड़ा सा पीछे चला गया. लेकिन हमारा ओल्ड जो सरकारी रेडियो स्टेशन था आकाशवाणी, उसका ये टावर है आप देख सकते हैं. यहाँ पर बहुत मतलब जो जो इस टावर को हम लोग पहले छोटे जब थे हम लोग उसको दूरदर्शन बोलते थे DD1. देखिए आज छुट्टी का मौसम है और छुट्टी का दिन है तो हर कोई अपने गर्लफ्रेंड को लेके घूमने निकला है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. लेकिन हम लोग पूरे बचपन से ब्रह्मचारी हैं, अभी तक कोई मिला नहीं, इसीलिए हम लोग दो लड़के मिल के घूमने जा रहे हैं और कोई काम चारा नहीं है हम लोगों का, आप देख सकते हैं. तो मैं जो बैचलर में जो मजा है वो कपल्स लाइफ में मजा उतना नहीं है. कपल लाइफ में का कहना है कि बैचलर लाइफ में जो हम लोग फ्रीडम या हम लोग अपना खुद के मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं वो कपल लाइफ में नहीं होता है. लेकिन मैं जानता हूँ ये खुद को सांत्वना देने के लिए बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं, सच में अगर उसको गर्लफ्रेंड होगा तो बोलेगा इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो. अच्छा, कितना सुंदर हम लोगों को बीट करके निकल गया. उसके गर्लफ्रेंड को हो सकता है वो इम्प्रेस करने का कोशिश करे, इसलिए मैं भाई इसको क्रॉस नहीं करूंगा, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगा उसके पास, उसके गर्लफ्रेंड के पास. उसको जाने देते हैं. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, family. Pocket swoop, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. तो हम लोग एक साइड पे पहुंच गए. ये जो जगह है वो रविंद्र सदन भी कहते हैं. तो हम लोग एकदम डेस्टिनेशन के पास ही है, जस्ट ये रास्ता घूम के थोड़ा सा उधर जाएंगे, बस पहुंच जाएंगे. रवाना हो गए हमारा जो डेस्टिनेशन है उसके पास. तो दिस इज द प्लेस कॉल्ड, यू कैन कॉल इट एज ए मैदान, रविंद्र सदन. ये बीचों बीच है जगह, तो ये कैथेड्रल को कवर करो. ये जो है
जिसको सेंट कैथीड्रल बोलते हैं, कोलकाता का सबसे बड़ा चर्च है। और 25 दिसंबर में और 25 से शुरू करके 5 जैन तक तो यहाँ पर कदम भी आप लोग नहीं रख सकते, इतना भीड़ होता है। ये देखिए बिरला प्लैनेटोरियम में भीड़ देखिए, इतना भीड़ खड़ा हो गया घुसने के लिए। हम तो जिंदगी भर अभी भी नहीं घुसे उस पाई, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है हम लोग अभी भी नहीं जानते, इतना साल हो गया यहाँ पे। ये हो सकता है हमारा बदनसीबी है या फिर हम लोग निकम्मे हैं, इसीलिए हम लोग नहीं घुसे, जान नहीं पाए अंदर क्या है। लेकिन कभी इंटरेस्ट भी नहीं आया मेरे को, हो सकता है मेरी अंदर कमी है। देखिए इतना सारा भीड़ है इधर, ये भीड़ वाला दिखा, बहुत भीड़ लगा हुआ है आज के सामने। भीड़ है, आज तो बहुत ही मजा लेंगे आज ये वीडियो का, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर। ये विक्टोरिया के अंदर ही, मतलब विक्टोरिया हम लोग बोलते थे पहले, अभी नेताजी मेमोरियल हो गया, तो उधर ही भीड़ जमा है। देखिए इतना सारा भीड़ है अंदर, तो मतलब इतना हम लोग तो मतलब क्या बोले, अंदर कुंभ का मेला लगा हुआ है, इतना भीड़ है। आपको अंदर का मतलब आप लोगों का अंदर का नजरिया देखे दिखाएंगे थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आएगा अंदर कुंभ का मेला लगा हुआ है। और देखिए यहाँ से भीड़ शुरू हो रहा है, हम लोग नहीं जानते कि अंदर घुस पाएंगे या नहीं पाएंगे, हम लोग शायद अंदर नहीं घुस पाएंगे आज। देखिए इतना भीड़ लगा हुआ है, और रात का जो लाइटिंग किया है तो जो तो जबरदस्त है वो, तो मतलब क्या वो क्या पूछे। देखिए भीड़ कर रहे हैं, 26 जनवरी और कोई भी फेस्टिवल के डे यहाँ पर भीड़ होता है, लेकिन इतना भीड़ नहीं होता। आज तो कुंभ का मेला बैठ गया इधर, आप देख सकते हैं, तो जूम करके दिखा सकते हो वो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का, जूम हो रहा है तो आप देख सकते हैं। जावी ना की वोटा भाई घुसेगा अंदर, घुसेगा नहीं, अंदर नहीं घुसेंगे। क्या ना क्यों ठीक होगा अंदर घुसेंगे, वीडियो को तम चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है। तो हम लोग हम लोग ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए विद्यासागर सेतु हम लोग वही जा रहे हैं, पीछे गाड़ी हम दे रहा है उसको छोड़ देते हैं, जाओ भाई जाओ। हुगली सेतु या फिर विद्यासागर सेतु, आज कल सुहाना।
है जहाँ पर इतना सुंदर आपको जो सीनिक ब्यूटी या फिर बोल सकते हैं अच्छा नजरा दिखाई देगा, तो बाबा की छवि जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा है। था आज का दिन, जैसे कि आप देख पाए बहुत ही भीड़ जमा हुआ था, 26 का दिन था, सबका छुट्टी था तो घूमने निकल पड़े थे, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर नहीं जा पाए, तो सॉरी चाहता हूँ इसके लिए कि वादा नहीं रख पाए कि ये कवर नहीं कर पाए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, लेकिन बाहर से जो भी है वो फोटो ऐड कर दिया और थोड़ा बहुत ये सेकेंड ब्रिज भी घूम लिए, तो उसका थोड़ा बहुत कुछ पिक्चर हम लोग खींचे थे वो भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छा आएगा और कुछ भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा हुआ वीडियो। थैंक यू गाइज, तो चलते हैं, अभी तो गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया है, बहुत ही टायर्ड हूँ, थैंक यू। Smiled at me.